नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है, कभी कश्मीर में धारा 370 हटाने के ऊपर तो कभी भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर। तो चलिए आज इसी बारे में, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आचार्य अनुज जैन जी। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में कि आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को लेकर और इंडिया को लेकर कि किस तरह का ये जो गर्मा गर्मी ये सब चलता रहता है, आपका क्या कहना है पाकिस्तान को लेकर? सुचित्रा जी, जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं, ज्योतिष विश्लेषण करते हैं, उसी तरह से राष्ट्र की जो हमारे पास जानकारी है वो उसकी बर्थ डेट यानी कि इंडिपेंडेंस डे से होती है। और ये इत्तफाक है कि इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे लगभग लगभग सिर्फ एक ही दिन दूर है। हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है और उनका 14 अगस्त को 2359 के ऊपर आज़ादी दिवस मनाया जाता है। और यहीं से ही अंतर शुरू हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान की पत्री के अनुसार उनका जो फर्स्ट लॉर्ड है मंगल, वो जो मंगल जो कि साहस को, मिलिट्री को, डिस्प्यूट्स को, बॉर्डर इशूज को, लड़ाई झगड़ों को जो सिग्निफाई करता है, उनकी खुद की पर्सनालिटी को जो सिग्निफाई करता है, वो उनके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है जी। जैसा कि हम जानते हैं कि थर्ड हाउस बॉर्डर्स भी होते हैं, थर्ड हाउस हमारा करेज भी होता है, थर्ड हाउस हमारे एसोसिएट्स भी होते हैं। तो उनकी जो एक जन्मजात मानसिकता है वो केवल लड़ाई झगड़ा, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, क्लैशेस, इन सब चीज़ों के साथ में जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पे एक और भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो जुपिटर जो कि सेकंड 12th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है, वो उनको एक रिलीजियस कंट्री बनाता है। जैसा कि बंटवारे के समय भी उन्होंने चूज़ किया कि वो एक खास रिलीजन को फॉलो करके सेग्रीगेट सेपरेट हुए, और वो उनके एक्सपेंडिचर हाउस में या हार्ड बाउंड बिलीव्स के हाउस के अंदर बैठा हुआ है, जो कि उनको एक एडमेंट मानसिकता देता है। पाकिस्तान के सेकंड हाउस के अंदर राहु की एक प्लेसमेंट है जो कि उनकी फाइनेंस स्थिति को हमेशा अनप्रिसिडेंट और हमेशा गड़बड़ाई हुई रखती है जी। उनको झूठ बोलने पे विवश करती रहती है, वो हमेशा अपने फाइनेंसेस के बारे में झूठ बोलते हैं या अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि थर्ड हाउस के अंदर मार्स की जो प्लेसमेंट है, वहाँ से उनको हमेशा अपने बॉर्डर्स के साथ इश्यूज रहते हैं, जैसे अफगानिस्तान के साथ, बलूचिस्तान के साथ, कश्मीर मुद्दे को लेकर, इंडिया के साथ में। ये उनका नेटिव हॉरोस्कोप है। फोर्थ हाउस जो कि जनमानस को रिप्रेजेंट करता है, लैंड को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर इनके एक बहुत पंच एक योग है जिसमें सन सैटर्न विराजमान है मरकरी के साथ में, जो कि हाईली अनस्टेबल गवर्नमेंट्स को सिग्निफाई करता है, फ्रीक्वेंट चेंजिंग गवर्नमेंट्स को सिग्निफाई करता है, फ्रीक्वेंट इनस्टेबिलिटी को लेकर आता है। और यही कुछ हमने देखा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी पाकिस्तान जी जो कंट्री है वो जनमानस के तौर के ऊपर, सत्ता के ऊपर, प्रजा के बदलते हुए मूड्स के ऊपर, उनकी अपस्विंग्स में हमेशा रहती है और उनको हमेशा बदलाव का सामना करना पड़ता है। दे फेल टू मेक इट ए कॉम्युनल स्टेट, मैनी स्प्लिट्स अमंग द मासेस, और जो कि जनमानस है उसकी विचारधाराएं भी अपने आप में बदलती रहती हैं। पहले वो अलग हुए थे कि सब हम एक संप्रदाय को फॉलो करेंगे, और अब उस संप्रदाय के भी उन्होंने खंड बना लिए हैं और वो उन्हीं खंडों के अंदर विभाजित होकर रह गए हैं। यहाँ पे दो चीज़ें और भी पाकिस्तान के बारे में, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को विस्तार से आगे लेके जाएं, कि उनका जो फिफ्थ हाउस है पंचम भाव, जो कि उनकी मानसिकता को सिग्निफाई करता है, लिटरेसी को सिग्निफाई करता है, वो अपने आप से 12वें बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस के अंदर बैठा है। और यही एक कारण है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इलिटरेसी, अनएजुकेशन और जो इनके एडमेंट बिलीव्स हैं उसकी वजह से ये कंट्री लगातार पिछड़ती चली जा रही है। ये एक एम्प्टी ट्रेजर सेकंड हाउस के बाद को भी सिग्निफाई करता है। गवर्नमेंट यानी सूर्य, सूर्य के आगे का हाउस फिफ्थ हाउस, और वो एम्प्टी है, वहां पर कोई सिग्निफिकेटर नहीं है। इस वजह से भी इनका जो ट्रेजर है वो वहां पर खत्म होता रहता है, इनके पास कोई ट्रेजर नहीं है और सिर्फ बोरोइंग्स के ऊपर चलने वाली कंट्री है। लास्टली, इनके अष्टम भाव के केतु की सिग्निफिकेंस ये है कि इनकी अपनी आज़ादी के बाद इनके बहुत सारे हिस्से इनसे छिनते रहे, कभी बांग्लादेश के फॉर्म में, कभी कश्मीर या अफगानिस्तान या बलूचिस्तान के फॉर्म में, बॉर्डर्स डिस्प्यूट भी रहे और वो इनसे हिस्से कटते रहे, भी छिनते भी रहे।
तो ये एक रूपरेखा है जिससे कि हम एक कंट्री को और उस कंट्री की पूरी विचारधारा को, उसके फाइनेंस को, लोगों को, जनमानस को समझ सकते हैं। जी चलिए सर, अगला सवाल करूंगी मैं आपसे कि कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई है, उसको हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है बहुत खराब है, तो क्या आने वाले टाइम में शहबाज शरीफ की जो सरकार है, आपको क्या लगता है सुधरने का कोई मौका है, या कहीं आपको लगता है कि इस तरह के कोई कदम उठाएगी सरकार कि इनके जो आपसी संबंध है वो सुधर पाए? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें ज्योतिष की एक बहुत प्रोमिनेंट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। जी देखिए, धारा 370 अगस्त 2019 के अंदर हटाई गई थी जब शनि और केतु इनके फोर्थ हाउस से नेटल सैटर्न से सिक्स पोजीशन के ऊपर थे, 150 डिग्री के ऊपर इनके नाइन्थ हाउस में, और नाइन्थ हाउस चेंज करता है, बदलाव लाता है, एक नई विचारधारा को जन्म देता है, पुनर्जन्म को देता है। तो जब ये इस योग के कारण, इस पुनर्जन्म के कारण इनको इस धारा 370 के हटाए जाने का इम्पैक्ट हुआ, तो निश्चित तौर के ऊपर ये इनके लिए एक आघात रहा और ये अब इरिवर्सिबल है, अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये बदलाव हो चुका है वहाँ से शनि अब बहुत आगे गोचर कर चुके हैं, और आगे जाने के बाद अब शनि के पीछे हटने का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, और ये एक पाकिस्तान का सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है कि उनका 370 से कोई मतलब है, उनका 370 से कोई मतलब नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा था कि चीज़ें इनकी हॉरोस्कोप में, इनके कंट्री में विखंडित होती रहती हैं, टूटती रहती हैं, नाउ इट हैज़ कम्प्लीटली गॉन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर ऑलवेज, एस्ट्रोलॉजिकली ये कुछ हो चुका है और अब इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट उसको किसी तरह से स्टेटस को चेंज करने के ऊपर कोई बात करेगी या नहीं करेगी, जैसा सैटर्न की 11th के अंदर प्लेसमेंट आ जाने के बाद, नेटल सैटर्न से 8th आ जाने के बाद, अब यह मुद्दा खत्म हो चुका है एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस के हिसाब से, अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, दे कैन ओनली टॉक अबाउट इट, या वो अपनी बाकी की प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दें, चाहे वहाँ पे बाढ़ आ रही है, चाहे भुखमरी हो रही है, या राजनीतिक अस्थिरता उनकी कंट्री में आ चुकी है। आई थिंक द मैटर पर्टेनिंग टू आर्टिकल 370 इज गॉन, मतलब कुल मिला के संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। नहीं, संबंधों के लिए वो कभी भी अच्छे बना नहीं सकते हैं, बना ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली उनकी जो मानसिकता है वो सिर्फ एक डिस्प्यूट की है। जी जी, सो दे हैव टू क्रिएट अ डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट कौन आदमी कर रहा है, जिसके पास लिटरेसी नहीं है और जिसके पास खुद की कोई फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, तो वो आदमी कोई भी पैचअप की तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल, आप किसी एक अच्छे मजबूत आदमी से मित्रता की बात कर सकते हैं, कमजोर आदमी जिससे अपनी बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट नहीं हो रही है वो आपके साथ कभी, जब भी देखा गया भारत ने हमेशा पहल करी है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी गलत ही नजरिए से देखा गया है और गलत ही आता है। बिल्कुल ठीक है सर, मेरा अगला सवाल होगा कि पाकिस्तान आटे का अकाल झेल रहा है, कि खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, वहां की जो आवाम है वो भी परेशान घूम रही है, तो बाढ़ से जो उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, साथ ही वहां के जो राजनेता भ्रष्टाचार कर अरबपति बन गए हैं, तो आपको क्या लगता है या नहीं लगता कि ऐसे हालात में जो पड़ोसी मुल्क है फिर से आपातकाल की तरफ जा रहे हैं, या फिर वहां सेना फिर से मजबूत हो रही है? बिल्कुल ठीक है जी, ये एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, और ये जैसा कि जब मैं आपसे उनकी जन्म पत्रिका के बारे में विषय में बात कर रहा था, मैंने आपको पहले ही कहा कि बेसिकली वो एक तानशाह मुल्क ही रहने वाला है, वहां पे डेमोक्रेसी सिर्फ नाम मात्र के लिए आती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी एक विखंडित होती है, पब्लिक जनमत कभी भी एक जैसा इकट्ठा होकर उसको रन नहीं कर पाता है, दैट इज़ देयर वीकनेस। और जैसा मैंने आपको कहा था कि मार्स और राहु की कॉम्बिनेशन है, राहु के बाद में मार्स आता है, तो उनकी जो सेना है वो भी करप्टेड है, तो वहाँ पे जो भी डिक्टेटर आता है वो करप्टेड ही रहता है, वहाँ पे जो भी हुक्मरान आता है वो सिर्फ अपने पैसा बनाने के लिए आता है, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स, सो ये एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव होता है। और देखिए अप्रैल 2022 यहाँ से अगर हम बात करें तो उनका जो फर्स्ट हाउस है वहाँ से राहु की ट्रांजिट हो रही है, और जुपिटर की जो ट्रांजिट है वो उनके 7th हाउस से हो रही है, जहाँ पर कि केतु का विद केतु के साथ। सो राहु जो कि नेचुरल कैलेमिटीज का कारक है, चेंज का कारक है, वो उनका सिग्निफाई होना शुरू हो गया है, और उसी की वजह से पब्लिक के अंदर डिस्ट्रेस भी आ गया है, और उसी वजह से वहाँ पे तख्ता भी पलट चुका।
इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा चुकी है, शहबाज साहब आ चुके हैं। सो सेकेंडली, आज तक के लिए वो अभी इसका जो दूसरा पहलू है, चंद्रमा में केतु की दशा के अंदर रन कर रहे हैं, जो कि उनकी जुलाई 23 तक चलेगी। तो जुलाई 23 तक चंद्र और केतु की दशा पब्लिक के अंदर इस असंतोष को, चंद्रमा जो जल का कारक है, बाढ़ के विनाश को, और इस विनाश के बाद अभी भूमि के भी विनाश से वो लोग जूझे हैं। मून केतु जल के साथ साथ भूमि का भी दोष उनको बनाता है, और यहाँ पे ये पब्लिक अनरेस्ट, पब्लिक की अनस्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के जो चुनाव आने वाले हैं 2023 में, तो आपको क्या लगता है कि फिर से इमरान खान की सरकार वापस आ पाएगी, बना पाएंगे इमरान खान अपनी सरकार, या फिर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी गठबंधन की सरकार बनाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। देखिए, अगर हम उनके नेक्स्ट आगे के दो तीन सालों के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये मून वीनस की दशा है इनकी, तो वहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये लोग और ज़्यादा बोरोइंग्स, और ज़्यादा डेट्स, और ज़्यादा लाइबिलिटीज़ के साथ में जुड़ेंगे, और अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना वगैरह, इनकी हेल्प के लिए आगे आ सकते हैं। अगस्त 2023 मून की दशा, मून में वीनस शुक्र की जो दशा इनकी प्रारंभ होने वाली है, वो डेफिनेटली इनकी लीडरशिप को तो चेंज करेगी ही, लीडरशिप विल बी चेंज। अगस्त से उनका 77th ईयर प्रारंभ हो रहा है, और जो उनका लॉर्ड ऑफ 77th ईयर है सूर्य, वो कि मरकरी, मून, वीनस, सैटर्न, इन सब के साथ में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, अभी तो शायद इनके गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस होने हैं, असेंबलीज के तो बाद में ही होंगे। मरकरी जो कि कोलिशन, जैसा आपने कहा गठबंधन, मरकरी कोलिशन का इंचार्ज होता है, और चंद्रमा चेंज का इंचार्ज होता है, वीनस किसी ना किसी प्रकार से फीमेल का इंचार्ज होता है, और सैटर्न डाउन क्लास का। तो मुझे लगता है कि ये अनएक्सपेक्टेड रूप से जो ये गठबंधन होंगे या मिलीजुली सरकारें होंगी, और ये भी अस्थिर रहने वाली हैं, क्योंकि दोबारा से इसके अंदर जो इम्पैक्ट आएगा वो मून का ही सबसे ज़्यादा आएगा, वो भी फ्रीक्वेंटली चेंज कर देगा, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अस्थिर करेगा। द गवर्नमेंट विल राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, चंद्रमा की बात ही, यहाँ पे हमें इन उतार चढ़ावों को देखना रहेगा, द स्टेबिलिटी नहीं है। जी नहीं, और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य अश्लेषा के अंदर है, अश्लेषा विच इज़ ए सर्पेंट स्टार, दैट मीन्स पॉइजनस। सो जो इनकी कट्टरवादिता है, जो इनकी डिटर्मिनेशन है, वो निश्चित तौर के ऊपर फिर दोबारा से ब्लाइंड होगी, एंड दे विल फॉलो ए सिंपल पाथ ऑफ ब्लाइंड एंड फोल्डेड, मतलब अंधभक्त होकर वो लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे, और उसी परिपाटी के ऊपर ही नए बदलाव भी आएगा, वह बदलाव आएगा, लेकिन इनको कोई बदलाव का बेनिफिट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू यू, कि जो आपकी ज्योतिषाचार्य के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें इमरान खान की सरकार नहीं आने वाली, और जो गठबंधन की भी आएगी तो वो भी स्टेबल नहीं रहेगी। जी चलिए सर, मेरा अगला सवाल है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आप ज्योतिष के नज़रिए से कैसे देखते हैं? क्या चीन पाकिस्तान कॉरिडोर से भारत की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर भी रहा है हमारे साथ, कि हम चाहें या ना चाहें, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमारे को अपने डिफेंस बजट को हमेशा बढ़ाना पड़ा है, और हमारे को हमेशा अपना एक बहुत बड़ा रिसोर्स इनके पागलपन को टैकल करने के लिए खर्च करना पड़ा है, जो कि हम बड़े अच्छे से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर खर्च कर सकते थे। मेरे को ऐसा लगता है कि एक वॉर स्ट्रेटेजी ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि मार्स इनके थर्ड हाउस के अंदर जब आएगा, इनकी चंद्रमा की दशा के बाद मंगल की दशा प्रारंभ होने वाली है, और जैसा मंगल सिग्निफाई करता है लैंड को, बॉर्डर्स को, रोड्स को, हाईवेज को, तो जो ये चीन से एक हाईवे की बिल्डिंग हो रही है यहाँ तक, नेचुरली ये हमारे लिए एक टेंशन का विषय तो ज़रूर बन सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनके थर्ड हाउस मंगल को बहुत प्रोमिनेंट दृष्टि देगा। 2025 के बाद में ये संभव है कि हमारे को इस एरिया में इस तरफ कुछ हलचल या हमारी टेंशन्स को बढ़े, बट ये भी बिल्कुल पक्का है कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है या हमारे जो
प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी इस समय मजबूत सरकार है, उन्होंने ऑलरेडी इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है एंड दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग देयर स्ट्रेटेजीज नॉट ओनली विद पाकिस्तान बट विद चाइना ऑल्सो। सर मेरा और इसके अलावा कुछ ऐसा है जो पब्लिक या दर्शकों को ये लगे कि हाँ कुछ बदलाव आने वाले हैं? देखिए, मिलिट्री बजट ऑलरेडी इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो वित्त मंत्री जी ने, उन्होंने डिफेंस का बजट बढ़ाया है और डिप्लोमेटिक मूव्स हमारे बढ़ने शुरू हो गए हैं। जयशंकर जी इस समय के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को अंजाम दे रहे हैं। तो जिस तरह से उनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो मिलिट्री या खामखा का फसाद है, हमारी मेन स्ट्रेंथ है कि हम अपनी डिप्लोमेटिक मूव्स से, और हमारी डिप्लोमेटिक मूव्स अब ऑलरेडी इन पिक्चर हैं। सो व्हाट आई बिलीव इज कि उनकी वीकनेस चूंकि हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से उनको निश्चित तौर के ऊपर बीट कर पाएंगे। जी सर, क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान को आतंकवाद के जो मुद्दे हैं दुनिया से अलग थलग कर पाएंगे कभी? डेफिनेटली। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान का जो वीक पॉइंट है, जो कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति राहु को सिग्निफाई करती है, पब्लिक्स को, उनकी करप्शन सिग्निफाई करती है, उनके बैंक्स इस समय के ऊपर खाली हैं, और यही हमारे जो लग्न है, भारत का जो लग्न है उसके असेंडेंट के अंदर है। सो इंडिया की जो भी फाइनेंशियल या इंडिपेंडेंस मूव होंगी, स्ट्रेटेजिक मूव्स होंगी, वो कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान को निश्चित तौर के ऊपर नुकसान पहुंचाएंगी। हमारा मंगल सेकंड हाउस के अंदर है विच इज़ अहेड ऑफ पाकिस्तान, सो एक क्लियर एज, चूँकि उनका मंगल हमारे मंगल से पीछे है और हमारा मंगल उसको बैकडअप करता है, दैट सिंपली मीन्स दैट कि वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप पावर देन पाकिस्तान, मिलिट्री के क्षेत्र के अंदर भी, जवानों के क्षेत्र में भी, डिफेंस में भी, और कूटनीतिक तौर के ऊपर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास उनसे बहुत बड़ा एज है। सो कंबाइनिंग दीज टू, जहाँ पे हम एक तरफ अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज है जिससे कि हम पाकिस्तान को बीट कर पाते हैं। सर आगे मेरा एक बहुत, मतलब ये तो हो गए सारे मुद्दे कि किस तरह से उनकी सरकार बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, क्या होगा, आपसी तनाव सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल होगा कि जो शायद पाकिस्तान की जनता भी और भारत की जनता भी जानना चाहेगी, और मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ जानने के लिए कि क्या कभी आने वाले टाइम में आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से लगता है कि भारत में, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते क्रिकेट को लेकर के कभी सुधरेंगे? वेल, थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये हमेशा होता है। देखिए, क्रिकेट इज नॉट ओनली अ स्पोर्ट फॉर अस, क्रिकेट या कोई भी जो खेल कूद है वो एक भाषा है जहाँ पे एक कंट्री अपना संवाद दूसरी कंट्री के साथ में स्थापित करती है। तो स्पोर्ट्स जो कि हमारे लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मंगल की प्लेसमेंट इसमें बहुत, क्योंकि मंगल एक साहस खेलकूद रिप्रेजेंटेशन को सिग्निफाई करता है। मंगल उनके थर्ड हाउस में है, उनकी ऑलरेडी दशा आ ही रही है डाउन द लाइन 2 ईयर्स, और हमारे ऑलरेडी ये प्रोमिनेंस के अंदर है, तो मुझे लगता है आने वाले 2 सालों के अंदर हमारे को एक बेटर क्रिकेट रिलेशनशिप्स देखने के लिए मिलेंगे और इसमें भी इंडिया की एक अच्छी एज होगी। चलिए, क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी जानकारी है ये तो, और चलिए आपको दर्शकों आज बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली हैं आपको पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को लेके, पाकिस्तान में आ रहे उतार चढ़ाव के बारे में हमारे आचार्य अनु जैन जी ने जानकारियाँ दी। आगे भी इसी तरह की जानकारी लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे इन सभी जानकारियों के साथ। तब देखते रहिए हमारे साथ दैनिक भरोसा।